ये मैं कहाँ आ गया? मुझे यहाँ से वापस जाने का रास्ता भी नहीं पता। मैं तो इस जंगल में खो गया। केविन को नहीं पता था कि मिस्टर मीट और मॉन्स्टर्स ने उसे घेर लिया था। अरे बाप रे, ये तो मिस्टर मीट है। मिस्टर मीट केविन को जोरदार किक मारता है। केविन वहीं पर बेहोश हो जाता है। मिस्टर मीट वहां अपने ड्रैगन को बुलाता है। ड्रैगन, जल्दी से हमें हमारी दूसरी दुनिया में ले जाओ। मिस्टर मीट केविन को लेकर वहां से चला जाता है। और यहाँ रॉड, चीनू, टीनू और बाबा सो रहे थे। तभी अचानक रॉड की आंखें खुलती है। केविन कहाँ चला गया? बाहर जाकर देखता हूँ। रॉड बाहर जाकर देखता है, लेकिन केविन बाहर भी नहीं था। केविन तो बाहर भी नहीं है। ये बात मुझे जल्द से जल्द बाबा को बतानी होगी। रॉड चीनू टीनू और बाबा को उठाता है। बाबा, केविन कहीं चला गया है। मैंने बाहर जाकर भी देखा, लेकिन केविन बाहर भी नहीं है। क्या केविन कहीं चला गया? रॉड, चीनू, टीनू, तुम लोग फिकर मत करो, केविन यही कहीं होगा। चलो उसे ढूंढते हैं। बाबा बादल को उठाते हैं। बादल, केविन कहीं खो गया है। चलो हमें जल्दी से केविन को ढूंढना होगा। ठीक है बाबा। रॉड, चीनू, टीनू और बाबा बादल पे बैठ जाते हैं। रॉड, चीनू, टीनू और बाबा केविन को ढूंढने निकल जाते हैं। काफी देर हो जाती है, लेकिन उन लोगों को केविन कहीं नहीं मिलता। बाबा, हमने हर जगह देख लिया, लेकिन हमें केविन कहीं नहीं मिला। हमें जल्दी से मेरे घर पर जाना होगा। मेरे पास एक जादुई टीवी है। उस जादुई टीवी से हमें पता चल सकता है कि केविन के साथ क्या हुआ था। ये सुन के रॉड, चीनू, टीनू बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बादल, जल्दी से मेरे घर पर चलो। ठीक है बाबा। बादल बाबा के घर की तरफ जाने लगता है। थोड़ी देर में वो लोग बाबा के घर पर पहुंच जाते हैं। बाबा घर के अंदर से एक जादुई डायमंड लेकर आते हैं। चीनू, टीनू, रॉड, जल्दी मेरा हाथ पकड़ लो। सबके हाथ पकड़ते ही उस डायमंड के अंदर से जादुई टीवी निकलता है। जादुई टीवी, जल्दी हमें बताओ कि केविन के साथ क्या हुआ था। बाबा के बोलते ही जादुई टीवी में कुछ दिखाई देने लगता है। वो लोग देखते हैं कि केविन के साथ क्या हुआ था। बाबा, केविन को तो मिस्टर मीट और मॉन्स्टर्स पकड़ के ले गए हैं। केविन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। मिस्टर मीट जरूर केविन को लेकर दूसरी दुनिया में गया होगा। हमें जल्द से जल्द केविन को ढूंढना होगा, नहीं तो मिस्टर मीट केविन को मार डालेगा।